सो गाइस वेलकम। स्टार्ट करते हैं। तो तीन टॉपिक हमारे रह गए, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, एड डिजिटल सिग्नेचर एंड लॉग सेल। ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमारा पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1.5 प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। तो आखिर वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या है? बोले प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है बहुत कुछ। प्रोटेक्ट हम बहुत सारी चीज़ों प्रोटेक्ट करते हैं हमें, कि जो जो बंदा वो जो यूज़र है, जो जिसको आपने चीज़ भेजी है, जो चीज़ देख रहा है, तो वो हिडन वर्कशीट नहीं देख पाएगा। जो चीज़ छुपी हुई है ना, वो वर्कबुक में छुपी रहेगी। वो उसको कुछ डिलीट करना चाह रहा है, डिलीट नहीं कर पाएगा। हाइड करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, तब कुछ कुछ नहीं कर सकता। वो बोले नई चीज़ें ले आता हूँ मैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अपनी तरफ नई चीज़ें डाल के चीज़ों को मैं घुटमुट कर देता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। वो इंसर्ट न्यू वर्कशीट नहीं ला सकता। वो बोले यार चीज़ कॉपी करके या मूव करके अपने पास ले आता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। मगर यार एक चीज़ तो है मेरे ध्यान में, स्क्रीनशॉट का क्या कहते हो भाई? आजकल रुझान चला स्क्रीन शॉट लेते रहो। और इन द एंड रिकॉर्डिंग न्यू मैक्रोस की भी नहीं करता। सर ये न्यू मैक्रो क्या है? इतना याद कर लो, काफ़ी है अभी के लिए। वर्कबुक विंडोज़। और वर्कबुक विंडोज़ के हवाले से बताना चाह रहा है कि ये कि साइज, जो वर्कबुक की साइज़ है और पोजीशन, जिस जगह पे वो सेव है, जो उसकी पोजीशन है, उसको उसको भी नहीं वो छेड़ सकता, उसको भी वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इसी में बता रहे कि ये आखिर हासिल किस तरह कर सकते हैं? सारी चीज़ें इतनी बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है, इसको हासिल कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। फाइल टैब पे जाना है, फाइल टैब पे वही प्रोटेक्ट वर्कबुक, अब चौथा बटन दबाना है। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर जैसे ही दबाओगे, पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, ओके हो गया तुम्हारा, ओके करोगे हो गया। अब करके कैसे रहे? ये आ गया हमारे खुद के डायग्राम, ऊपर के तीन हम पढ़ चुके हैं, चौथा आ गया वर्कबुक स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, इसको हमारे क्या कर दो, हम बोलेंगे सेव कर दो। ये करोगे और तुमसे क्या पूछ, तुमसे पूछा गया कि आप खाली स्ट्रक्चर सेव करना चाह रहे हैं फॉर या विंडोज़ में तो चाह रहे हैं। आपने बोला खाली मुझे स्ट्रक्चर सेव करना है, मतलब विंडोज़ को वही साइज़ और रिटेन जो मैंने बताया कि साइज़ वगैरह वो नहीं चाह रहे। और पासवर्ड ऑप्शनल, पासवर्ड ऑप्शनल है, पासवर्ड ऑप्शनल है। तुमने पासवर्ड डालो, बोला नहीं भाई पासवर्ड डालो, कोई और घुस के कुछ मसले मसले ना कर दें। तुमने ओके किया, पासवर्ड कंफर्म किया, उसके बाद इतना हो गया। ठीक है ना, इसको इसको चेक करते हैं। और साथ ही हाथ हाथ लगे ले, हाथ हम क्या पढ़ लेंगे, अनप्रोटेक्ट के, अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अनप्रोटेक्ट वर्कबुक अनप्रोटेक्ट कैसे किया। जिस तरह शीट को अनप्रोटेक्ट किया था ना, वैसे ही सेम एज इट इज वही करेंगे। रिव्यू पे टैप पे जाएंगे, पहले हमने शीट दबाया था, प्रोटेक्ट वर्कबुक दबाएंगे। बड़ी पहली बात बोली है इसने कि नोट कर लो, दिस इज नॉट अ टाइपो। टाइपो मतलब जो लिखा है सिर्फ वही उसके मायने नहीं होते, डबल मीनिंग है कि चीज़ ऑलरेडी तुम्हारी प्रोटेक्ट हुई हुई जो हमने ऊपर की है। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक दबाओगे ना, उसका मतलब है कि उसको अनप्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर एंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो एंटर पासवर्ड डालोगे, डायलॉग बॉक्स में ओके कर दोगे। जो जो चीज़ तुम्हारी प्रोटेक्ट थी वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। सिंपल, इसमें इतना मसला किया है। तो आओ एक्सेल पे देखते हैं किस तरह करते हैं। यहाँ पर मैं आया, कुछ भी कर सकता हूँ कि बस फाइल पर आया, फाइल के बाद में इन्फो पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पर आया। अब मैं चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर सेव करना, उस पर आया, बोले क्या नाम है, पासवर्ड डालने हैं, ऑप्शनल है, डाल देते पाकिस्तान, पी ए किया, यस TAN पाकिस्तान, ओके किया मैंने, दोबारा कंफर्म मांगा था, पी ए किया, यस TAN पाकिस्तान, फिर मैंने ओके किया, चीज़ मेरी प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ उसको अनप्रोटेक्ट करना वापस। अनप्रोटेक्ट करने का तरीके क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक जो ये रहा टाइपो, जिसको टाइपो बोले, टाइपो इसको दबाया मैंने, इसको बोले पासवर्ड बताएं सर, मैंने पासवर्ड डाल दिया, PAKIS TAN पाकिस्तान, देन सिंपल ओके किया, अब एन प्रोटेक्ट हो गई। सिंपल था, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। मगर सर दो बातें, तीन बातें, चार बातें समझ में नहीं आई इस हवाले से। प्रोटेक्ट ये वर्कबुक स्ट्रक्चर में मतलब ये था क्या? हमने वर्कशीट समझ में आई जिस उसको किया, पासवर्ड डालना समझ में आया, ये क्या है? और वो पासवर्ड ऑप्शनल बोले, पासवर्ड ऑप्शनल है, ये बातें मतलब थोड़ी हजम नहीं हो रही, ये क्या बात है? असल में मसला इतना बड़ा नहीं है, खाली इसका मकसद जो है ना, जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है, अब अंदर कमरे में क्या हो रहा है उसका उसका गर्ज नहीं है। डाटा चेंज हो रहा है, चोरी हो रहा है, वो गर्ज नहीं है। मसला ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहा है, बिल्डिंग में ना हो, मतलब कोई नई शीट्स ना डाल सके इसमें, मजीद कोई शीट डिलीट ना कर सके इसमें, ये जो बेसिक बातें हैं ना, कोई चीज़ में छुपी हुई है वो देख ना सके। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं मकसद, इसलिए।
और चीज़ कॉन्फिडेंशियल इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पासवर्ड ऑप्शनल डाला हुआ है इसने कि सामने वाले को होशियार करने के लिए। और एक और बात पता चली कि हमें एक तो वहाँ से हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं फाइल टाइप से यहाँ से जाके, सेकंड हम रिव्यू में यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक दबाया, इसने मांगा मुझसे पासवर्ड, नहीं डाला, ओके कर दिया मैंने दे, तो ठीक है अब मैं मज़ीद शीट डालना चाह रहा हूँ, मैं टिक कर रहा हूँ, तुम्हें लग नहीं रहा होगा मैं कर रहा हूँ मैं, मगर नहीं खुली। मैंने चलो उसका नाम बदल देता हूँ शीट का, शीट का नाम बदल रहा हूँ, लिखा हुआ है वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट का ऑप्शन ही गिरे हुआ है, इसके तरीके करके खाली मैं इसको दोबारा दबाऊंगा। अब मैं चाहूँ शीट डाल भी दूँ नहीं, चाहूँ मैं नाम भी चेंज कर दूँ, चाहे मैं डिलीट भी कर दूँ, तो ये खाली ये कि सिर्फ स्ट्रक्चर सेव करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक का काम होता है। तो आई डू समझ में आया होगा, और दो जगह से प्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हैं और दो जगह से प्रोटेक्ट वर्कबुक भी कर सकते हैं। ऑफिस बुक में चलते हैं, ये हो गया हमारा काम। अच्छा अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऐड, ये मेरा फेवरेट आ गया, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर के साइन कैसे डाल लें, कह रहे डिजिटल सिग्नेचर जो बंदा साइन करता है ना, साइन दो तरह की होती हैं, एक विजिबल सिंपल जो नज़र आती है, जो कि एक इनविजिबल जो नज़र नहीं आती। बोले एक दफ़ा अगर साइन हो गई, आपने साइन कर दी, तो वहीं पहुंच जाती है रीड ओनली पे, कि भाई डॉक्यूमेंट पे हो गया, साइन हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता साइन के बाद। तो अक्सर हम लोग थूक से मिटा मिटा के बाद में चेंजेस करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होगी। दोनों को सेम तरीके से, दोनों को डालने का तरीकेकार सेम है, मकसद दोनों का सेम है, फर्क क्या है बताते हैं आपको। सो बोले टू ऐड अ विजिबल डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नाम, इंसर्ट टैब पे जाके जाना, इंसर्ट इंसर्ट टैब पे जाना और टेक्स्ट ग्रुप पे जाना और सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देना। तो वहाँ दो ऑप्शन खुल जाएंगे तुम्हारे पास। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल कर लेंगे, या दूसरा जो ऑप्शन तुम्हें मिलेगा वो ऑनलाइन सप्लायर के हवाले से मिलेगा, जो सप्लायर है आपका वो, और फिर कंप्लीट सिग्नेचर सेटअप जैसे जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओके कर दोगे तुम, तो एक खाली ब्लैंक लाइन ओपन हो जाएगी जिसको ज़रूरत होगी तुम्हारे साइन की, तुम भैया सेठ मियाँ साइन कर दो। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट बंद करने के बाद दोबारा खोलेगा ना, एक अलर्ट खोल जाएगा, अलर्ट होशियारी, तो भाई साइन की ज़रूरत है, तो तुम के व्यू सिग्नेचर डिस्प्ले करो, जो भी आउटस्टैंडिंग सिग्नेचर है कि जो जो सिग्नेचर होना रह गई है वो जगह तुम्हें पता चल जाएंगे, भाई यहाँ 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 साइन करनी है। तो जो उस पर तुम क्लिक करोगे वो रेलेवेंट सिग्नेचर बॉक्स हमारा खुल जाएगा, और यहाँ जहाँ साइन करनी है वो तुम्हें बता देगा, और फिर वो रिविजन चीज़ होती रहेगी। देन ऑप्शन इन द एंड तुम ओके क्लिक कर दो, देन दिस ओपन द साइन डायलॉग बॉक्स, जैसे साइन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसके बाद बोले सिग्नेचर नाउ साइन। अच्छा अब तीन तरीके हैं सिग्नेचर करने के, एक सिंपल है जो पहले पुराने जमाने के चलता है कि टाइप नाम नाम डाल दो, या फिर एक टच स्क्रीन, मेरी फेवरेट है कि टच स्क्रीन से बंदा साइन करे, कैसे करते हैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चल भी जाओ, ये बड़ा मसला होता है। इतना मुश्किल था, अंदाज़ा नहीं था मुझे साइन साइन करना, चलो आज अंदाज़ा हो गया। तो बंदा जिसकी जो साइन है बंदा वो साइन कर देता है, या फिर एक इमेज होती है, बंदा अपनी इमेज सेलेक्ट कर ले, उससे नीचे जो भी उसकी पिक्चर फाइल है वहाँ से वो डाल दे। मतलब तीन चीज़ें, तीन तरीके का है साइनिंग, जो है साइनिंग मतलब साइन करने वाला, सिग्नेचर करने करने के लिए। उसके बाद पर्पस बताओ, कंप्लीट जो पर्पस फॉर साइनिंग है, फिर साइनिंग है तुम क्या हो, तुम कौन हो, तो साइन करने वाला तुम्हारी डेजिग्नेशन जो भी है। उसके बाद जो भी एक छोटा मोटा फॉर्म मिलेगा उसको भरने के बाद क्लिक साइन टू कंप्लीट टू साइन ऑफ, कि भाई पूरा काम मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियली साइंड ऑफ, टप्पा लग चुका, अभी हो गया रीड ओनली। अब इसमें छेड़छाड़ी नहीं हो सकती कि बंदा ने सब कुछ पढ़ के साइन किया है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। फिर भी अगर आप बंदा कोई चेंज करेगा तो साइन हट जाएगी बंदे, याद रखना, कोई ज़बरदस्ती घुसेगा तो नीचे हट जाएगी। ये आगे यहाँ पे खुल गया, अच्छा सिग्नेचर लाइन, अब यहाँ ये वो भी बता रहे, डायग्राम बता रहे अपने, खोल गए सिग्नेचर लाइन खोली, या तुमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन तुमने क्लिक कर दिया। इसके बाद
जैसे वो क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, तुम ओके दबाओगे, क्लिक ओके। अब तुम्हारा नाम क्या है, नाम अपन नाम डाला, उसके बाद तुम्हारी पोजीशन हो, क्या नाम है, मैनेजर हो, उसको अपना ईमेल नंबर बताना चाह रहे हो, और फिर कोई इंस्ट्रक्शन तुम्हें देनी है कोई है तो वो तुमने डाल दी है। इन द एंड शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, डेट डाल दी है, अलाउ द सिग्नेचर टू एड कमेंट इन द साइन डायलॉग बॉक्स, और साइनर कोई कमेंट डाल सकता है, वो आप डाल दिए तुमने, और इंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रहा है ये कि साइन करने से पहले देख लो जो जो तुम साइन कर रहे हो सही है, तुम्हारे साइन का मतलब है वो चीज़ सही है। पीछे सेल हो गई हमारी, उसके बाद फिर ये आ गया, ये खुल गया, शफीक भाई मैनेजर ये एक्स, यहाँ पे साइन डालता हूँ। अब साइन तुमने कर दी अपनी, जो जो तीन ऑप्शन थे वो तुमने कर दिया, ये लिखा हुआ जाएगा दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी साइन टू व्यू सिग्नेचर व्हेन द फाइल इज रीओपन, फाइल दोबारा खोलेगा इन्फॉर्मेशन बार अलर्ट द यूजर दैट सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, तो क्लिक व्यू सिग्नेचर, तो तुम जो व्यू सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा तुम्हें ये इस पर क्लिक कर दोगे, फिर दिखाऊंगा मुझे भाई क्या हाँ कहाँ से सिग्नेचर करनी है। जैसे ही तुमने ये काम कर दिया थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर शफीक मशहूरी नाम आया, साइन अ लिस्ट ऑफ सिग्नेचर इज डिस्प्लेड, क्लिक साइन अंडर द जो भी नाम है उसके तुमने क्लिक कर दिया, अगेन वो चीज़ तुम्हारे जो ओपन हो गई ओके किया। अब इस दफा तुमने यहाँ पे साइन करनी थी, साइन तुमने कर दिया, इमेज जो भी डालनी थी डाल दिया, तुमने पर्पस डाल दिया, जो भी तुम कमेंट डालना चाह रहे हो भाई ये ऐसा था मैंने ये करके ये सोच के मैंने साइन कर दिया, देन क्लिक साइन, साइन हो गई चीज़। जब से नीचे कंफर्मेशन बोल रहे आपकी साइन सेव हो गई है और किसी ने कुछ छेड़म छाड़ी की तो आपकी साइन हट जाएगी इसमें से, अगेन रिमूव हो जाएगी। अच्छी बात है भाई, मतलब जो जिस जगह मैंने साइन की मेरी साइन वहीं पर है, पुराना वास्ता कहीं और चले गए तो मैं तो फंस जाऊँगा। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट इज मार्क एक्स फाइनल, हो गया ये हमारा फाइनल हो गया। शफीक भाई जो है हमारे उसकी सिग्नेचर यहाँ पर आ रही है, और रिक्वेस्टेड सिग्नेचर जहाँ पे था पहले लिखा हुआ कि साइन की ज़रूरत है वहाँ लिखा हुआ है वैलिड सिग्नेचर, ये वैलिड सिग्नेचर हम अल्लाह का शुक्र है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ लिखा हुआ है तो अब तो जब फाइल खोलोगे ना डॉक्यूमेंट खोलोगे तो लिखा हुआ है स्टेटस अपडेटेड द इन्फो ग्रुप फाइल टैब, ठीक है ना, ये साइन सिग्नेचर पूरी हमारी अल्लाह का शुक्र है हो गई है। अब जैसे हमारा ये काम हुआ अब तुमने इसको खोला, अब यहाँ पे अब बता रहा है कि आपने मजीद एडिटिंग की हुई जो पुरानी से बाद में बताई थी, तो साइन हट जाएगी, साइन मिट जाएगी, सब्सिक्वेंटली एडिटिंग बाय क्लिकिंग एडिट एनी वे विल रिमूव सिग्नेचर, एडिट क्लिक किया, अब तुमने एडिटिंग किया नहीं की सिग्नेचर तुम्हारी, एडिटिंग करने से मतलब मसला खराब होता है। जैसे ही एडिटिंग की सिग्नेचर हैज बीन रिमूव, सिग्नेचर रिमूव की जा चुकी है, सिग्नेचर तुम्हारी रिमूव हो चुकी है ओके। अब अगर अभी पढ़ते हैं, पहले से पहले जो इतना हमने गो थ्रू किया है इसको अप्लाई करते हैं एक्सेल में, चलो मजा आएगा। अगेन हमारी वर्कशीट हमारी वर्कबुक खुल गई दूंगा, इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे टेक्स्ट पर आए, टेक्स्ट पर आइए सिग्नेचर लाइन, ठीक है जो साइन करनी हो यहाँ पर मैंने सर्वो डाल दिया। अब यहाँ पर उसने क्या बोला था हमें, बंदा अपना नाम डाले, तो मैंने अपना नाम डाला SIWUIIQIZ सिद्दीकी, डेजिग्नेशन फ्रीलांस ट्यूटर TUTOR, और फिर ईमेल एड्रेस IBAN_ZUBAIR@hotmail.com। बाकी ठीक है, अलाउ किया मैंने, अलाउ ओके है, देन ओके तो मेरे सामने ही आपके सामने आ गई सिग्नेचर की जगह, यहाँ पे बंदा इस पे चाहे तो सिग्नेचर कर ले। टू एड एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर, कि इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर डालते कैसे हैं, अगेन वही फाइल टैब पे जाना है, प्रोटेक्ट वर्ड बुक दबाना है, डिजिटल सिग्नेचर क्लिक ओके करना है, और फिर ओके के बाद वही करना है जो पहले हम अभी हमने जो विजिबल में किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऑफर करता है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स कंप्लीट करके साइन करना है और क्लिक ओके कर देना है। अच्छा जैसे डॉक्यूमेंट आप साइन कर दोगे वो हो जाएगा मार्क एज फाइनल एनी वे, और ये पूरा बता रहा है कि प्रोडक्ट वर्ड बुक खोली है ये इसने कर दिया। इसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, तो आप क्या दबाओगे, ओके दबा दोगे,
आखिर इसमें बता रहे हैं लॉफुली लीगल है, आप ये सब साइन जो करे तो ये लीगली मानी जाती चीज़ है। इसके बाद आपको बोल रहे हैं कि ये जो तुम रिजन चाह रहे हो तुम्हें क्यों साइन किए वो तुम लिख सकते हो, वो लिख लोगे तुम। अच्छा वो लिखने के बाद क्या नाम है, ये सब हमारा काम हो जाए और फिर साइन का बटन तुम दबा दोगे सिंपल, रीज़न डालने के बाद। उसके बाद साइन कंफर्मेशन बोल रहे हैं, वही पुरानी बातें रिपीट करेगा, किसी ने कोई एडिटिंग करने की कोशिश की तो हम रिमूव कर देंगे। और फिर आगे बोले स्टेटस इज अपडेटेड देन फो ग्रो, बोले स्टेटस अपडेटेड हो चुका है आपका, व्यू सुन लीजिए यहाँ पे साइन, तुम अपना ही व्यू इस जगह पे व्यू कर सकते हो। ये व्यू करने के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब मार्क हैज फाइनल लिखा हुआ है, एन ऑथर हैज मार्क द वर्क बुक ऑफ फाइल टू डिस्करेज एडिटिंग, बोले फाइनल ऑथर ने मार्क कर दी है, अपनी सिग्नेचर डाल दी है, फर्दर फर्दर आप कुछ इसमें आप मनी कर सकते। फिर भी तुमने अगर अपनी जिद पे पड़े हो एडिट एनी वे, तो अगेन वही साइकिल जो पूरी की पूरी वो बात चली है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, विजिबल इनविजिबल दोनों में साइन हो रही है। मैं तो समझ रहा मैं हमें हमें लग रहा था कि साइन नज़र नहीं आएगी, सही कह रहे हो साइन नज़र नहीं आ रही, दोनों में साइन हो रही, एक में बंदे का नाम पता चल रहा है दूसरे में नाम पता नहीं चल रहा। और गौर से देखो एक में पूरे शफीक भाई का नाम आ रहा है, दूसरे में शफीक भाई का नाम नहीं आ रहा। ठीक है तो आई डू होप ये बात समझ में आई होगी। और तो लास्ट टॉपिक जो इस सेक्शन का है लॉक से, वो नेक्स्ट एक और वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए अलग से, तो उसमें हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन ही कंप्लीट कर देंगे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉक सेल।